बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हाल ही में एक प्यारी सी बेटी की मां बनी है, जिसकी झलक अभी तक फैंस ने देखी तक नहीं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि दोनों एक प्यारी सी बेटी के मम्मी पापा बन गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर दीपिका लगातार बेटी की मजेदार हरकतों के बारे में भी बता रही है। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने नया वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि बेबी को फीड करवाने में उनकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। दीपिका पादुकोण ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दीपिका ने मां बनने के बाद बेबी को फीड करवाने का स्ट्रगल बताया। वीडियो में एक लेडी खाने को देखकर इधर उधर भाग रही है। वो खाने को देखती अपना चेहरा घुमाने लगती है। इतना ही नहीं, वो एक निवाला खाती है और फिर सो जाती है। इस वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, अगर हम बड़े भी इसी तरह खाना खाते टाइम करने लगते तो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैंस इस बात से अंदाजा एक मिनट में लगा रहे हैं कि दीपिका यहाँ पर अपनी बेबी की बात कर रही हैं। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह 8 सितंबर को पेरेंट्स बने। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक प्यार भरा पोस्ट किया और दीपिका अपनी बेटी को 15 सितंबर को घर लेकर भी पहुंची। दीपिका रणवीर बेबी होने के बाद सिर्फ एक बार ही पेपराजी के कैमरे में कैद हुए। दोनों को हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से दीपिका रणवीर अपना सारा टाइम अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ बिता रहे हैं। कपल ने अपनी बेटी के लिए नैनी ना रखने का फैसला किया है। जी हाँ, दीपिका ने ये फैसला किया है कि वो अपनी बेटी की परवरिश खुद करेंगी। ऐसे में लोग दीपिका की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें, लंबे टाइम से दीपिका को इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा था कि उनका बेबी बंप नकली है। इसके साथ ही लोगों ने उनकी प्रेगनेंसी को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब ऐसे में जब अपनी बेबी के डिलीवरी के कुछ टाइम पहले दीपिका ने अपना एक मैटरनिटी फोटोशूट शेयर किया था, जिसमें उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा था। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था, जिन्होंने उनके बेबी बंप को नकली बताया था। हालांकि ट्रोलिंग के दौरान कभी भी दीपिका ने इन सब बातों पर रिएक्ट नहीं किया। जो लोग उनके बारे में नेगेटिव बातें करते थे, उन्हें सिर्फ दीपिका ने इग्नोर किया। और अचानक से एक दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने मैटरनिटी फोटोशूट की इतनी सारी फोटोज को शेयर किया, जिसके बाद ट्रोल करने वालों का मुंह अपने आप बंद हो गया। फिलहाल तो दीपिका पादुकोण इस टाइम पर अपने मदरहुड को काफ़ी इंजॉय कर रही हैं और अपनी बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रही हैं। दीपिका ने फीड कराने के टाइम पर जो उनको स्ट्रगल पेश आती है, जो मुश्किलात पेश आती हैं, उसको लेकर जो प्यारा सा एक पोस्ट किया है, क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी आपकी राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएँ।